देखिए, कुंवर साहब के साथ मैंने राजनीति शुरू की थी। सन 80 में जब मैं गया थी तो मुझसे सीनियर से 74-77 में ये पहले पहुंच चुके थे और एक लंबे दौर तक हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे। स्वाभाविक रूप से आप सोचिए, इतने घरेलू संबंध थे कि जब मैं दोबारा राज्यसभा गया तो उसी आवास 17-3 मूर्ति मार्ग पे गया जिसमें कुंवर साहब रहते थे और आज भी मैं वहाँ रहता हूँ। तो हमारा कुंवर साहब का चाहे जिस राजनीतिक दल में जो रहा हो, संबंध परिवार की तरह थे और उज्जवल तो मोना जी के साथ रहे, हमारे साथ रहे, ये हमारे बिल्कुल भतीजे हैं। तो हम स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जमुना पार अरुण जी हैं मेरे साथ, जिला कांग्रेस कमेटी जमुना पार के अध्यक्ष जी हैं, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहले मिलकर जा चुके हैं। आप देखें ना, हमारे साथ विजय प्रकाश जी वरिष्ठतम हमारे विधायक हैं, वो आए हैं, हरकेश जी आए हैं, कौसाम्बी के पूर्व जिला अध्यक्ष तलत जी आए हैं, किसान कांग्रेस के लोग आए हैं, तमाम लोग सब आए हैं। हम लोग अपना समर्थन, शुभकामनाएं और समर्पित करने की जैसी ज़रूरत हो चुनाव में, वो हम लोगों का भरपूर करें हमारे सभी साथी। कल अनिल राजभर आए थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे मोदी और कांग्रेस के और हम सारी चीज गांव पे जाते हैं, उनको हम मुर्सी में पटक कर हरा देंगे। देखिए, राजभर जी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। उसके पहले वो मोदी को पटक रहे थे जब सापा में आए थे। पूरा नाम लिया करो, राजभर जो है अनिल राजभर जी से, वे अगर दोबारा आए तो कहिएगा कांग्रेस के दांव पे तो अंग्रेज भी नहीं समझ पाए थे। वो तो बहुत छोटी सी चीज है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन जो खड़ा किया है, 3 दिन लगातार मैं रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मैं कल ही लौटा हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ बेहतर वर्ड्स में, भाजपा के खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही और लोगों को बीजेपी का विकल्प इस बार ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही है कि अगर बीजेपी से अलग हटो एनडीए से तो स्वाभाविक इंडिया गठबंधन विकल्प के रूप में बन रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो वहां उभर के आई, बसपा का नाम लेवा कोई नहीं और सारे दल, सारे जाति, सारे मिलकर एक तरफ से भाजपा को वहां हरा रहे हैं पहले राउंड का। और मैं तो ये कहूंगा, आपके जो काउंटर पार्ट हो उनसे पूछिए, मैं इतने कह रहा हूं भाजपा एनडीए के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है। जनता के बीच में एक बड़ा स्वाभाविक सवाल, ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है इनको लेकर उभर रहा है। लोग समझते हैं कि अभी जनता नहीं जानती, वहां नारे जो लग रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जवाब मांग रहे हैं सब कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो पैसा आपने लिया है सब उन लोगों से क्यों लिया जिन पे ईडी सीबीआई की रेड चल रही है।